हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट टू ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सीगल आईक्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आईक्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स से बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शन का ग्रुप जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शन के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप में जो ट्रेड शेयर करता हूँ बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। तो अगर आप चाहें तो हमारे इन दोनों फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज ABFRL। ABFRL को लाने का यहाँ पे एकदम सिंपल रीजन है, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है। इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का देखिए मुझे दो तरीके से लग रहा है कि ये बहुत ही ऊपर जा सकता है। एक तो ये एरिया हो गया, ये सिनेरियो हो गया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से मिनिमम इन एरिया से ट्रेवल करना चाहिए जो है हमारा 440 तक का एरिया, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या करा है, सिंपल तरीके से चीजों को समझते हैं। देखिए, प्राइस ने यहाँ पे एक फॉल किया, एक कर्व क्रिएट किया, कर्व क्रिएट करके ऊपर गया। यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जो लोग सपोर्ट बना के बैठे हुए थे उन सबका यहाँ पे एसएल हिट हुआ, मार्केट ने सबको बाहर निकाला। उसके बाद देखिए, मार्केट ने यहाँ पे रिक्लेम किया और रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये रहा हमारा एरिया जो था हमारा प्रीवियस एरिया ऑफ सपोर्ट, ठीक है। देखिए, प्राइस ने इसी पर्टिकुलर एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन भी लिया है, ठीक है। तो प्राइस ने जब इस एरिया को रिक्लेम किया, रिटेस्ट किया और अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट दूंगा स्विंग के लिए। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 310 के आसपास का, और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 340 के आसपास का। बाकी आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक इस एरिया तक भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, दैट इज ABFRL। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को देखिए लाने का एकदम सिंपल रीजन है, मंथली टाइम फ्रेम का इसने देखिए कर्व क्रिएट किया, कर्व क्रिएट करके यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू बना था, जैसे परसों के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद देखिए यहाँ से इस एरिया का रिटेस्ट हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक हमें फॉल बैक देखने को मिल सकता है। अगर ये फॉल करता है तो ये इस एरिया तक आ सकता है, और अगर फॉल नहीं करता है तो ये यहाँ से स्ट्रेट मोमेंटम दे सकता है। मैं आपको दो टारगेट दूंगा, मेरा पहला टारगेट होगा 1140 के आसपास का, और जो मेरा सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 1225 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज जिंदल स्टील। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। और अगर आपको नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं, ये मंथली टाइम फ्रेम का जो हमारा चार्ट है इसके अकॉर्डिंग एक बार को अगर हम डेप्थ वगैरह यहाँ पे मेजर करके देखें तो यहाँ से इसने फॉल किया था कितने परसेंट के आसपास का, इसने फॉल किया था यहाँ पे 94% के आसपास का। तो 94% ऊपर की तरफ हम एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारा ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। तो आप इस एरिया को यहाँ पे थर्ड टारगेट के हिसाब से समझ सकते हैं। बाकी आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे ऐसा लगता है 3000 रुपए तक भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, दैट इज जिंदल स्टील। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है हिंदुस्तान पेट्रोल। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, मैं ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने 7 नवंबर को 279 के आसपास शेयर किया था, और यहाँ से इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया था। आने वाले समय में इसने यहाँ से 112% का रिटर्न दिया था, मैंने नवंबर को शेयर किया था, और फरवरी यानी कि 3 महीने के अंदर स्ट्रेट अवे यहाँ पे 100% का रिटर्न हमें मिला था, ठीक है। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया। अब इसको लाने का मेरे पास एक सिंपल रीजन है, मैं आपको देखिए दिखाना चाहूंगा, ये जो हमारा राउंडिंग कर्व था ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन एंड मैनिपुलेशन भी करा है। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट रिटेस्ट करके प्राइस एक बार ऊपर गया, मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे दिखाया कि ब्रेकआउट फेलियर हो गया, आप बेच के निकलो। दोबारा यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंजेशन क्रिएट करने के बाद प्राइस एक बार ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, और अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ हमें प्राइस में गेन देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो स्विंग के अगर मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट दे दूं, हमारा जो पहला टारगेट होगा वहां पे होगा ये 575 के आसपास का, और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 630 के आसपास का। बाकी अगर मैं आपको ओवरऑल पोजिशनल टारगेट बताऊं, तो ओवरऑल पोजिशनल टारगेट के हिसाब से अगर हम इसे समझे, इसने कितना परसेंट का फॉल किया था, इसने फॉल किया था 70% का। 70% हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाते हैं, एक बार को इन एरियाज तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम ट्रेवल कर सकता है। 526 पे चल रहा है, ओवरऑल टारगेट मेरे 829 डेप्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है। और अगर इस तरीके से हम देख ले यहाँ पे, और कुछ फिलहाल आप इन्हीं एरियाज को अपने टारगेट रख लीजिए, बाकी मुझे लगता है ये आने वाले समय में 1000-1200 तक भी जा सकता है, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिंद पेट्रो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है शेवियट होटल्स। देखिए शेवियट होटल्स को लाने का यहाँ पे एक सिंपल रीजन है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस ने देखिए इस पर्टिकुलर एरिया पे मल्टीपल टाइम रिएक्शन दिया है, यहां से देखिए इस एरिया को जल्दी से ये ब्रेक नहीं कर पाता था, ब्रेक करता था बट वो सस्टेन नहीं कर पाता था। एक बार ब्रेक किया यहाँ पे भी देखिए सीधा यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे देखिए प्राइस ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम टाइप का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट बनाने के बाद प्राइस यहाँ से वॉल्यूम के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे तीन टारगेट दूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से काफी ऊपर जाएगा। मेरा पहला टारगेट होगा 1613 के आसपास का, मेरा सेकंड टारगेट होगा 1761 एंड मेरा थर्ड टारगेट होगा 1925 के आसपास का। ये तीन टारगेट्स मैं आपको देना चाहूंगा शेवियट होटल्स में। तो ये था आज का हमारा फोर्थ स्टॉक। बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है सनफ्लैग। देखिए सनफ्लैग को लाने के मेरे पास एक सिंपल रीजन है, सनफ्लैग को यहाँ पे मैं क्यों लेके आया हूँ इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, इस तरीके से एक हाई क्रिएट किया, यहाँ से देखिए कंटिन्यूअसली प्राइस ने फॉल किया। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हो सकती है। इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, देखिए ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेता हुआ प्राइस जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये इस एरिया को इस बार ब्रेक करके इस तरीके से कुछ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस क्या करेगा, प्राइस इन एरियाज को ब्रेक करके इस एरिया तक आएगा, फिर इस तरीके से कुछ करके प्राइस इस तरीके से मोमेंटम दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप समझ सकते हैं कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, नथिंग इज 100%। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। प्लस हमें यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे बोलिए, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे बोलिए, देखिए बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो बायर्स है वो पावरफुल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मुझे दिख रहा है। तो मैं आपको अगर यहाँ पे दो स्विंग के टारगेट दूंगा, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 243 का जो है इसका प्रीवियस हाई, एंड सेकेंड टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पे 270 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ दैट इज सनफ्लैग। ठीक है, तो अगर ये इस एरिया से ठीक ठाक परफॉर्म करता है तो आने वाले समय में यहाँ से ये 21% तक की रैली दे सकता है, और ये एरिया जब ब्रेक होगा तो प्राइस यहाँ से इन एरियाज तक भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली शार्प इन्वेस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।